दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विद्युत विभाग द्वारा आईटीआई सोलन में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर कृतिका कुलहरी का अधीक्षण अभियंता मोहन सिंह द्वारा हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। अधीक्षण अभियंता मोहन सिंह ने बताया कि बिजली महोत्सव कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोलन से की गई है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के माध्यम से विद्युत विभाग की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश का हर घर रोशन हो, इस उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जा रहा है। बिजली महोत्सव कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था, लेकिन किसी कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। के अमृत महोत्सव के तहत देश के हर जिला में 25 से 30 जुलाई तक दो दो फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि आज हमारे जिला सोलन का पहला फंक्शन आईटीआई के हॉल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीसी महोदय हमारे मुख्य अतिथि हैं। यह महोत्सव बिजली के क्षेत्र में जो आज तक पिछले 8 वर्षों में हमने उपलब्धियां हासिल की गई हैं, बेमिसाल उपलब्धियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इस उत्सव को मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि देश किस रफ्तार से तरक्की कर रहा है। सर, अभी मैं सोलन जिला के अंतर्गत लगभग 2,65,000 के करीब कनेक्शन है, और विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि लोगों को निर्बाध बिजली जो उपलब्ध कराई जाए। सोलर के ऊपर जो सब्सिडी है वो अभी कमर्शियल पे है, कमर्शियल कनेक्शन पे तो है, डोमेस्टिक के ऊपर है, डोमेस्टिक के ऊपर है, कमर्शियल का भी कोई ऐसा प्रावधान ऐसे आया नहीं अभी। सर, बिजली के कट से कब तक निजात मिलेगी लोगों को? नहीं, बिजली के कट वैसे लगाने की कोई नौबत नहीं, जब कोई मेंटेनेंस करनी हो तभी जाकर हमें लाइन बंद करनी पड़ती है, या कोई तूफान आ गया जिस वजह से लाइन बाधित होगी, अदरवाइज हिमाचल में सरप्लस पावर है, कोई कट नहीं लग रहा है। सर, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पूरे देश में बिजली को मतलब हर घर पे पहुंचाने के लिए, लेकिन हिमाचल में हर घर में बिजली है शायद इस समय, क्या करनी है? हिमाचल में भी जैसे केंद्र सरकार की स्कीम में है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, इसमें लगभग 1292 लाख रुपए व्यय किए गए हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत का हमारा ढांचा है उसको सुदृढ़ किया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए भी 1492 लाख रुपए व्यय किए गए हैं आईपीडीएस स्कीम के तहत, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में जितना भी विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया गया है। सर, हिमाचल में कोई विभाग? हिमाचल में अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट तक लोगों को बिजली मुफ्त दिया, जिसका कि हर डोमेस्टिक उपभोक्ता को लाभ मिलना शुरू हो गया है जुलाई महीने से। सर, तो क्या देखते कि हिमाचल से रिलेटेड इसलिए नहीं, क्योंकि देश के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां को दिखाया गया है जहां की बिजली थी ही नहीं। हिमाचल में तो 70% विद्युतीकरण 1988 में हासिल कर लिया गया था, उसके बाद वही घर बचे थे जो नए घर बन रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपने पन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।